किसान की जिंदगी मतलब तंगी, यही जुमला सुन सुनकर तो हम बड़े हुए, पर हमने सोच लिया था कि बच्चों को ये भविष्य नहीं देंगे, और इसके बदलने की खातिर हमने भरपूर कोशिश की और साथ दिया राइज ने। जैसे एक अच्छा दोस्त बुरे वक्त में काम आता है ना, राइज हमारी वैसे ही काम आया। हमें आज भी याद है जब पहली फसल बेचकर हम बेटे के लिए साइकिल आए थे, हमारे आंसू नहीं रुक रहे थे उसकी खुशी देखकर। हमारे बच्चे शहर के अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हैं, जो साइकिल से जाते थे ना, आज शाम से गाड़ियों में घूम रहे हैं, और अब उन्हें किसान की औलाद कहलाने में शर्म भी महसूस नहीं होती, बल्कि शान से कहते हैं हम किसान के बच्चे हैं। यही बदलाव चाहिए हर किसान को, राइज है तो ये हो सका। कोई कमी ना की हमने बच्चों को, राइज था तो कोई कमी पड़ी ही ना। राइज धान ने मेरी जिंदगी बदल के रख दी, अब इसे चमत्कारी तो कहेंगे। पिछले 25 सालों में राइज ने तो हमारी काया ही पलट दिया जी। जिंदगी में एक बात बार बार सुनने को मिली कि किसानों को बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, जो किस्मत में होगा सो मिलेगा। थोड़ी समझ आई तो सोचा साहब किस्मत के भरोसे तो हम नहीं बैठेंगे। हमारे पिताजी गए तो हमारे लिए छोड़ कर गए थे थोड़ी सी जमीन और ढेर सारा कर्जा, और साहब ऊपर से मौसम की कठिनाई, किसी को भरोसा नहीं था हम पर हमें पूरा भरोसा था अराइज पर। सारा कर्जा चुकाया, छोटी बहन को पढ़ाया, साहब अफसर हो गई है वो शहर में, ये सब संभव किया अराइज ने। कैसा भी मौसम हो, कैसी भी परिस्थितियां हो, साहब अराइज ने कभी निराश नहीं किया। साथी किसानों की फसल देखकर कभी कभी अफसोस होता, पर साहब हमें किस बात का डर, हमारे पास तो अराइज था। अराइज पे अब तो इतना विश्वास हो गया है कि मैं सब लोगों से कहता हूं कि खूब सपने देखो, खूब मेहनत करो, और बाकी सब अराइज पर छोड़ो। जी ऐसा है, खेती तो पिताजी से हमें विरासत में मिली, और साथ मिला खेती का पुराना तरीका भी। अब नए जमाने के साथ अगर चलना था तो कुछ तो अलग करना था, इसलिए धान की देसी किस्में छोड़कर एक साल बायर का हाइब्रिड धान अराइज लगाया, और जी कमाल हो गया, खेती का तो अंदाज ही बदल गया। पैदावार और आमदनी तो बढ़ी, लेकिन अराइज ने जो दिया वो है सम्मान। आज गांव में हर कोई हमारी खेती की मिसाल देता है, जिसने भी अराइज लगाकर जिंदगी में तरक्की की वो एक बार आके हमें धन्यवाद जरूर बोलता है। अराइज लगाने की सलाह जो दी थी, और जब माननीय प्रधानमंत्री ने हमें सबसे ज्यादा पैदावार के लिए सम्मानित किया तो हमारे साथ सारे गांव का सीना चौड़ा हो गया। उसके बाद तो जी हमारा रौब आसपास के सारे गांव में था। अब आप ही बताइए, अराइज ना होता तो क्या यह संभव होता? तो जी हमारे हिसाब से अराइज धान है तो सम्मान है। सच्चाई को जान लिया।
तो बोलो बोलो 25 साल बेमिसाल। जहां जहां पहुंचा अराइज, शिक्षा के भी दीप जले, पढ़ लिख के सम्मान मिला और खुशहाली के चर्चे बढ़े। बायर का अभिमान है, कहता ये हर किसान है, गर्व से माने अपना अराइज, खुशहाली का निशान है जब देश तरक्की।